महात्मा गांधी सेतु का अपडेट देने के लिए हम आ गए हैं गायघाट में और यहां से चलेंगे उस पार तक जहां पर पाया नंबर एक है और देंगे आपको उसका अपडेट। आज 19 मई है, जून में इन्हें कंप्लीट करना था लेकिन वो तो शायद हम अब नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। पानी वाले पार्ट को भी ये कंप्लीट कर ले जून के पहले तक तो हो सकता है, हालांकि अभी बहुत काम 39 से लेकर के 46 तक में बहुत सारा काम बाकी है। चलते हैं उस पार और देखते हैं कि क्या काम हुआ है और कितना काम बाकी है। चलिए चलते हैं। ये पाया नंबर 46 है जिसका पियर कैप अभी फिलहाल नहीं तोड़ा गया है, लेकिन जो जितना भी सेगमेंट था उसे तोड़ दिया गया है और आप देख सकते हैं कि इधर भी पूरा खाली हो गया है, तोड़ दिया गया है। सेगमेंटल पार्ट यहां से यहीं तक है जो आप सामने देख रहे हैं और उसके बाद गर्डर ब्रिज शुरू हो जाता है जो अगम कुआं तक जाता है। बीच में मिट्टी भी है लेकिन अगम कुआं तक जाता है, ये गर्डर ब्रिज है। इधर अभी इधर कोई काम नहीं होना है, जो होना है इधर ही होना है। और इधर देख सकते हैं यहाँ पे 46 नंबर पाया है और 46 नंबर से देखा जाए तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जब टूट रहा था तब मैंने दिखाया था, अब ये पूरा खाली हो गया है। 40 और 41 नंबर पाया पे थोड़ा सा काम बचा हुआ है, जिस सेगमेंट उतारना है और पियर कैप और का निर्माण करना है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है 39 यानी 39 नंबर पाया पर त्रश इरेक्शन का काम हो गया है। चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि उधर क्या कुछ काम चल रहा है, क्या बाकी है। चालीस नंबर पे आप देख सकते हैं कि गैंट्री लगा हुआ है और जो त्रश है वो 39 नंबर पाया पे यहाँ से दिख रहा है हमें। और इधर आप देख सकते हैं कि इधर 46 नंबर पाया तक काम नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं काम चल रहा है। इसमें सेगमेंट को तोड़ दिया गया है, पियर के बनाने की प्रक्रिया चल रही है और गैंट्री जो है सेगमेंट को काटने के लिए लगा हुआ है। आगे चलते हैं देखते हैं क्या स्थिति।
नंबर 28 और 27 के बीच में ये देख सकते हैं 27 नंबर पाया तक बना हुआ है, 27 से लेकर के इधर 39 नंबर तक त्रश इरेक्शन का काम किया हुआ है और 27 के बाद अभी इधर काम नहीं शुरू हुआ है, पीर के पाला की बना हुआ है और उधर कितना नंबर तक हुआ है चलिए चल के देखते हैं। सोलह और पंद्रह पे काम शुरू हो गया है त्रश इरेक्शन का और इधर देख सकते हैं कि 16 से लेकर के 27 तक अभी फिलहाल त्रश इरेक्शन का काम नहीं चल रहा है। 27 के बाद यहाँ पर 15 नंबर पाया पे काम चल रहा है त्रश इरेक्शन का। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या स्थिति है। और इधर पाया नंबर 9, अब इस पर भी काम शुरू होने वाला है। इस पर नहीं हो रहा था त्रश लॉन्चिंग तरह से काम, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस तैयार किया जा रहा है और क्रेन भी लगा हुआ है जो बेस को तैयार करने में मदद कर रहा है। तो इस पर भी अब ये भी दोनों आपस में जल्दी से जुड़ जाएंगे। हाजीपुर के तरफ और दो से एक पे अभी फिलहाल काम नहीं हुआ है आप देख सकते हैं। और इधर कंक्रीट हो गया है, बैरियर भी तैयार है, उसे भी कंक्रीट करना बाकी है। ये देख सकते हैं कंक्रीट किया जा चुका है यहाँ पे, ये पूरी तरह से ये हमें 9 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक कंक्रीट दिखा है और उधर भी कहीं कहीं पे दिखा है। तो ये स्थिति है, कंक्रीट हो चुका है। सेतु का अपडेट यही है कि काम चल रहा है 2 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक, फिर 10 से लेकर के 15 नंबर तक और फिर 27 से लेकर के 38 नंबर तक त्रश इरेक्शन का काम चल चुका है। प्लेटें बिछने लगी, जहां पर प्लेट बिछ चुका है पे वहां पे कंक्रीट हो रहा है और कई जगह पे जो है पियर कैप अभी नहीं बना है
और स्पैन 40-41 नंबर से टूटना बाकी है। तो यही अपडेट है, काम चल रहा है। हालांकि ये अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, जून में इन्हें शुरू करना था लेकिन ये शुरू नहीं कर पाएंगे मुझे जहां तक लग रहा है। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।